स्टडी करने के लिए, इनकी एग्जामिनेशन करने के लिए, कि EMT है, NCS हम लोग परफॉर्म करने के लिए आता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो भी नर्व स्टिमुलेशन, नर्व जब स्टिमुलेट होगा तो वो इवेंचुअली वो मसल को स्टिमुलेट करता है। तो नर्व की या मसल की कोई एबनॉर्मेलिटी अगर होती है तो हम लोग NCS एंड EMG के साथ साथ करते हैं। जब आप लोग परफॉर्म करोगे ना, दोनों साथ परफॉर्मेंस होगी, इन दोनों की बिल्कुल साथ साथ परफॉर्मेंस होगी। उसी टाइम NCS भी परफॉर्म हो रहा होगी, EMG दोनों साथ साथ परफॉर्म हो रहे होंगे। उसमें न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज हम लोग मेजर करने के लिए करते हैं, जस्ट नर्व की एबनॉर्मेलिटीज या जस्ट मसल की एबनॉर्मेलिटीज। उसके बाद क्या होता है अगेन, कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम लोग उस एरिया पे स्पेसिफिकली, उस स्पेसिफिक एरिया में हम लोग प्लेस करते हैं जहाँ पे डिसऑर्डर है, जहाँ पे हम लोग को सेंसेशन नहीं मिल रही होती हैं या फिर एग्जैजरेटेड सेंसेशन मिल रही होती हैं, वहाँ भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड हम लोग प्लेस करते हैं। और उस इलेक्ट्रोड की जो रीडिंग होती है, वो ऑसिलोस्कोप जो है वो एक मॉनिटर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ऑसिलोस्कोप उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, वो ये है कि एक NCS में हमने पढ़ा था कि सिर्फ इलेक्ट्रोड जो है वो टॉपिकली प्लेस होता है और वो सारी मॉनिटरिंग करता है। इसका जो कि मसल से ताल्लुक है, और स्पेसिफिकली मसल की जो भी एक्टिविटी होती है, कुछ मसल्स इजीली उनकी एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ मसल के हम लोग इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, ये इन्वेजिव होता है, मिनिमल इन्वेजिव होता है। इसमें क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं उस स्पेसिफिक मसल में। अगर फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हम लोग इनिशियली तो हम लोग इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। अगर इलेक्ट्रोड में प्रॉपरली रिकॉर्डिंग नहीं आ रही होती है तो फिर हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं। इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है, एक इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोड बेस्ड होती है, दूसरा जो है इसकी नीडल इंसर्शन होती है, अगर इलेक्ट्रोड बेस्ड से हम लोग को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ रही होती है। दूसरा ये है कि इसमें एक एडिशनल ऑडियो एम्पलीफायर भी इसमें यूज़ होता है। जो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है, ऑडियो एम्पलीफिकेशन, उसको जो भी एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर ऑडियो एम्पलीफिकेशन भी हम लोग को साथ साथ सुनाई दे रही होती है कि ये एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट हो रही है। ये इसके एडिशनल से ये क्या करते हैं, एक्टिविटी ऑफ मसल रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग रेस्ट, स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। और मसल नॉर्मली जब रेस्ट पे होता है, रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस होती है। जब जैसे ही हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक स्टिमुलस जनरेट होता है, उसके बाद एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, और इनिशियली जो है वो एक ब्रीफ पीरियड ऑफ एक्टिविटी जो है वो ऑसिलोस्कोप में हम लोग को रिकॉर्ड करेगा। और जैसे ही नॉर्मल केसेस में, अगर जैसे ही स्टिमुलस दिया या जैसे ही मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पर्टिकुलर मोमेंट में एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है। और नॉर्मल केसेस में उसके बाद, स्टिमुलस के बाद एक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्टिल अगर ऑसिलोस्कोप में एक्टिविटी आ रही है तो उसके बाद इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल मूवमेंट। इस तरह से हम लोग अगर पावर लैब पर परफॉर्म करेंगे, ये डिफरेंट मसल में हम लोग प्लेस करेंगे, ट्राइसेप, बाइसेप, और ये अर्थिंग के लिए हम लोग नॉर्मली करते हैं और पावर लैब के साथ हम लोग अटैच करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रोड प्लेस कर लिया तो हम लोग मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग या बेंडिंग योर लेग, किसी भी एक्टिविटी की जहाँ का मसल है, उसका मसल का पर्टिकुलर फ्लेक्स करना या एक्सटेंड करना, उस मसल का जो भी पर्टिकुलर मूवमेंट होगा वो हम लोग उस पर परफॉर्म कराएंगे। और उसके बाद फिर उसकी जो एक्टिविटी है वो एक्शन पोटेंशियल या साइज एंड शेप ऑफ द वेव जो है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑसिलोस्कोप में। अगर जैसे ही मसल ज़्यादा फोर्सफुली अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा फोर्सफुल, ज़्यादा जो है एम्पलीट्यूड की जो वेव्स वो हैं वो जनरेट होंगे। इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट हो रहा है और ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी ज़्यादा रिकॉर्ड होगी हमारे पास। इसके साथ अगेन वही वाली बात कि एक रिलेटेड प्रोसीजर है जिसको NCS भी हम लोग कहते हैं, और ये नॉर्मली साथ साथ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू नर्व्स। ये स्पेसिफिकली होता है नर्व्स के लिए, नर्व डिसऑर्डर के लिए। और ये जो भी नर्व डैमेज है या डिस्ट्रक्शन है नर्व के पाथ में, कोई भी डिस्ट्रक्शन है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं NCS के थ्रू। अगेन दोनों जो है वो साथ साथ हम लोग करते हैं, NCS भी परफॉर्म करते हैं और EMG भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं, प्रेजेंस, लोकेशन, एक्सटेंट ऑफ डिजीज जो कि डैमेज करते हैं नर्व्स एंड मसल्स। अच्छा, बिफोर द प्रोसीजर डॉक्टर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, और कोई भी क्वेरीज हो
पहले तो रूल आउट करेंगे ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स या कोई और डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर जब रूल आउट हो जाती है उसके बाद फिर डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री प्रॉपरली लेंगे, उसके बाद फिर ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद फिर प्रोसीजर से पहले जो है वो फास्टिंग अलाउ नहीं होगी। फास्टिंग या कोई भी एडिक्शन, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की एडिक्शन होती है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी भी लेवल की एडिक्शन, अल्कोहल की एडिक्शन है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, तो टेस्ट से पहले, सिर्फ ये टेस्ट नहीं, रूटीन के जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उससे पहले इस तरह की एक्टिविटी जिसके थ्रू टेस्ट की जो रीडिंग है वो ऑल्टर हो सकती है, वो एडिक्शन जो है वो प्रायर टू द टेस्ट हम लोग नहीं कर, एडिक्शन जो है वो पेशेंट को बोलते हैं कि वो आपने स्टॉप करेंगे, उसके बाद टेस्ट जब हो जाए उसके बाद आप उसको जो भी सिगरेट है या कैफीनेटेड बेवरेजेज हैं, टी कॉफ़ी वगैरह जो है वो 2 to 3 hours से पहले जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी होती है हम लोग को। उसके बाद डॉक्टर को सारे मेडिकेशंस के बारे में बतानी होती हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर तरह की मेडिकेशंस होती हैं, हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस होती हैं, डायबिटीज़ की मेडिकेशन होती हैं, कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कुछ एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं, कुछ लोग अपनी ड्रग की एडिक्शन छुड़ाने के लिए मेडिकेशन लेते हैं, काउंटलेस मेडिकेशंस हैं। तो क्या हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मेडिकेशंस का, हर मेडिकेशन का डेफिनेटली बॉडी पे एक इम्पैक्ट आता है, किसी मेडिकेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो उस इम्पैक्ट को ना होने के लिए हम लोग जो है वो सारी मेडिकेशन बताते हैं, ताकि डॉक्टर बता सके, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा इमीडिएट यूज़ है उस मेडिकेशन का तब तो स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ देखेंगे कि उसका टेस्ट पे इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है। मेडिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके अलावा अगेन जो अगर पेसमेकर किसी पेशेंट का इंस्टॉल है तो उसके बारे में भी आपको नोटिफाई करना है डॉक्टर को। अच्छा, क्लोथ्स कौन से वेयर करने होते हैं आपने जो कि एक्सेस दे सकें उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोज्ड एरिया है, लेट्स सपोज अपर लिम है लोअर लिम है, एक्सपोज्ड एरिया, इजीली एक्सेसिबल एरियाज जो हैं, यहाँ की कोई मसल एबनॉर्मलिटी अगर है तो फिर हम लोग नॉर्मल रूटीन के अगर ड्रेस है वो हम लोग पहन के परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसे एरिया है बॉडी का जो कि एक्सपोज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन रेस्पेक्ट ऑफ द थाई हो गई या बैक की जो मसल्स होंगे वो अगर इन्वॉल्वमेंट अगर उसके लिए है तो फिर डॉक्टर से आप डिस्कस करेंगे, तो वो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली जो भी ड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि पर्टिकुलर जो है वो साइड पे एक्सेस कर सकें। और लोशंस ऑयल्स वगैरह जो है वो आपने स्टॉप करनी है परफॉर्मेंस से पहले, और जो भी मेडिकेशन जो भी है या जो भी प्रिपरेशन है वो अपने डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करनी होती है। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या होता है कि आपको कोई भी क्लोथिंग वगैरह, अगर एक्सेस क्लोथिंग जो भी है वो आपने रिमूव करनी है, ज्वेलरी, हेयर पिंस, आई ग्लासेस, हियरिंग एड्स, या फिर जो भी मेटल ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू इंटरफेयर हो सकता है हम लोग की रीडिंग्स जो है, रीडिंग्स या हम लोग की फाइंडिंग जो है वो ऑल्टर हो सकती हैं, वो हमने रिमूव करनी है। अच्छा, अगर आपको अगर अगेन हुई कि अगर इनर एस्पेक्ट का अगर कोई पार्ट है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गाउन प्रोवाइड कर लेंगे। फिर अगेन सिटिंग पोजीशन पे, लाइंग में, जो भी उस पोजीशन में टेस्ट परफॉर्म करना चाहे, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, डिपेंड करता है कौन सी मसल की एक्टिविटी है, उस लोकेट करेंगे उस मसल को और क्लीनिंग करेंगे, और अगर नीडल इंसर्शन है तो नीडल प्रॉपरली इंसर्ट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि नीडल इस तरह से नहीं होती, माइंड में ये नहीं रखो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आईएम इंजेक्शन है या आईवी इंजेक्शन, उस तरह की नहीं होती, बहुत फाइन नीडल होती है। ये नॉर्मली रूटीनली अगर हमें परफॉर्म करते हैं फाइन नीडल, और ये अगेन नीडल इसमें थोड़े साइज भी वेरी करते हैं मसल के अकॉर्डिंगली, जौन से मसल, अगर अपर लिम का है वो बहुत माइनर साइज के होंगे, अगर लोअर लिम का है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं, वो जो भी फोर्स होता है, जो भी पेन होता है वो बियर कर सकते हैं कंपेयर टू अपर लिम। तो उसी हिसाब से मसल के हिसाब से डिफरेंट नीडल्स होते हैं, नीडल के साइज होते हैं, ठीक है। अगर इंसर्शन नॉर्मली तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में हम लोग को ईएमजी भी रिकॉर्ड हो जाती है और एनसीएस भी रिकॉर्ड हो जाती है। अगर लेट्स सपोज नहीं रिकॉर्ड हो रही होती है तो हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं, और नीडल इंसर्ट भी बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई इंजेक्शन आप फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, पेनफुल इतना नहीं, रूटीनली नॉर्मली इतना पेनफुल नहीं होता। 5 or more needle incisions जो भी required होती हैं वो insert होती हैं, और slight pain होता है, इतना pain होता है कि आप bear कर सकते हो, और आपको बिल्कुल इतना ज़्यादा painful इतना feel नहीं हो रहा होता। अगर in case अगर वो बहुत ज़्यादा unbearable आपके लिए हो रहा हो, अगर बहुत ज़्यादा painful हो,
तो अपने एग्जामिनर को बताना है, क्योंकि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये मसला है, ठीक है, ये मसला है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, इस पर एक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इनिशियली क्या करूँगा, मैं रूल आउट करूँगा इसके क्या कॉज क्या है, इसकी जॉइंट डिसऑर्डर है इसका या बोन डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें पहले रूल आउट करूँगा। उसके बाद जब रूल आउट हो जाएंगी, जब मुझे पता चलेगा स्पेसिफिकली इसी मसल के रीजन में अगर प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग मैं क्या परफॉर्म करूँगा, EMG और NCS साथ साथ परफॉर्म करूँगा। और अगर इस मसल पे अगर है प्रोसीजर के लिए अगर इनिशियली नीडल इंसर्शन की रिक्वायरमेंट अगर हुई, अगर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में फाइंडिंग नहीं आ रही होती, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इस एरिया में नीडल इंसर्शन होगी। नीडल इंसर्शन इनिशियली ऐसी होगी कि बहुत माइनर सा टेस्ट करेंगे देखने के लिए कि फील होता है कि डिटेक्टेबल है या नहीं। अगर नॉर्मल रूटीन की अगर है तो डिटेक्टेबल अगर होगा तो परफॉर्म हो जाएंगे उसमें। अगर थोड़ा सा भी पेनफुल होगा तो मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करूंगा, मैं उस पेन को बियर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अगर पेन होगा और मैं उसको बियर करूंगा तो क्या करूंगा, मैं उस बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म में मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस अगर प्रोवाइड होती है तो मैं क्या करूंगा, उस मसल को एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि पेन हो रहा है, पेन विड्रॉ करने के लिए मैं एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जिसके थ्रू जो एग्जैक्ट फाइंडिंग होगी, जो एग्जैक्ट रीडिंग होगी जो हम लोग को रिक्वायर्ड होती है, वो हम लोग को नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो जो अगर पेनफुल हो प्रोसीजर तो उसी हिसाब से अपने डॉक्टर को या न्यूरोलॉजिस्ट को जो भी आपको परफॉर्म कर रहा है आपने इन्फॉर्म करना है कि पेनफुल है, थोड़ा ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर नीडल एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू दोबारा वो रिपीट होती है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजिशन में होती हैं और फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, और अगेन मेजर करके और डिस्प्ले करके ऑसिलोस्कोप में, और ऑडियो एम्पलीफायर भी इसके साथ साथ यूज़ हो सकता है, इसके थ्रू प्रॉपरली पता चल रही कि रेगुलरली उसकी जो भी रीडिंग है आ रही है कि नहीं आ रहा। आफ्टर द प्रोसीजर क्या होता है, ये प्रोसीजर हो गया, परफॉर्म हो गया, अगर रूटीन में है आपको, उसके बाद रीडिंग्स आ जाती हैं आफ्टर द प्रोसीजर, थोड़ी सी जो पेन है ऑब्वियसली फाइन नीडल भी हो इंसर्ट होने के उस वक्त अगर ना हो तो बाद में थोड़ी सी एक सोरनेस टाइप एक फील आती है आपको, तो कुछ डेज तक रहती है और डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करती है न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर इनकेस अगर ज़्यादा पेन है आपको, अगर सीवियर पेन है अगर प्रॉपरली उसमें, या पस है या टेंडरनेस है, तो अपने OPD में ये उसी टाइम इन्फॉर्म करना होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल कोई नीडल पस किस वजह से हो सकती है, अगर ये स्टेराइल नीडल हो या फिर प्रॉपरली इंसर्ट ना हुई हो या प्रॉपरली एग्जैक्टली या बहुत ज़्यादा इंसर्ट हो गई या फिर ब्लीडिंग हो गई या नीडल साइज ज़्यादा हो, तो उसके थ्रू क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पस हो सकता है। नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली जब भी परफॉर्म करते हैं बहुत ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, और ये नॉर्मली रूटीन के प्रोसीजर्स जो भी हम ये परफॉर्म करते हैं उसमें नॉर्मली प्रॉब्लम्स नहीं आती। इनकेस अगर आ गई इस तरह से पस या स्वेलिंग या टेंडरनेस अगर वहाँ पर हो गई, तो आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। फिर क्या होता है, रिजल्ट, उसकी जो भी रिजल्ट फाइंडिंग्स वगैरह होंगी वो रिकॉर्ड करके फॉलोअप में एक अपॉइंटमेंट होती है जिसमें आप रिकॉर्ड हो जाती है, आपको पता डॉक्टर्स जो है वो एडवाइस करते हैं कि ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है, अगर एबनॉर्मल है तो किस लेवल की एबनॉर्मलिटी है, क्या आपको फर्दर मेजर्स क्या लेने होते हैं, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करते हैं। फिर क्या क्या कॉज क्या क्या हो सकती है इसकी, मसल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, नर्व डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, NMJ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मसल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट मसल डिसऑर्डर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज, पॉलीमायोसाइटिस, रेमेटोमायोसाइटिस, ये डिफरेंट हैं, कोई नीड नहीं इसको याद करने, सिर्फ बताने के लिए कि मसल के डिसऑर्डर्स अलग हो सकते हैं, नर्व के डिसऑर्डर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर ये एबनॉर्मलिटी आ सकती है तो इसकी वजह से फाइंडिंग्स जो है आपके एबनॉर्मल आ सकते हैं। ये इनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, ये आप लोग के टॉपिक के हिसाब से, आप लोग के इम्पॉर्टेंस के हिसाब से, स्पेसिफिकली मायसिलियम ग्रेविस ये इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लैम्बर्ट ईटन मायसिलियम सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मायसिलियम ग्रेविस है लैम्बर्ट ईटन मायसिलियम सिंड्रोम, बॉटुलिज्म टॉक्सिन, ऑर्गेनल फॉस्फेट पॉइजनिंग, ये भी इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीशिया, ये वाला पेज जो है, इसकी जो डिजीज़ है ना, ये ना सिर्फ अभी बल्कि आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में ये बहुत रिपीट होंगे, मस्तिंग बॉटुलिज्म टॉक्सिन, हाइपरमैग्नीशिया, हाइपोकैल्सीमिया,
अच्छा, नर्व के डिसऑर्डर्स के अलावा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कार्पल टनल सिंड्रोम डिस्कस किया था और रेडियल नर्व पैल्सी की डायबिटिक न्यूरोपैथीज, ये डिफरेंट नर्व के डिसऑर्डर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली नर्व एसोसिएटेड होते हैं, वो उसके उसमें भी एमाइलॉइड न्यूरोपैथी, इसमें भी हम लोग की एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स आ सकते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। अच्छा यार, मैं एक चैट ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना मुझे। NMJ का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर है वो कॉन्सेप्ट NMJ का आप लोगों को? गुड, शाबाश। ठीक है, मैं चैट दोबारा मिनिमाइज कर रहा हूँ। NMJ में इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। NMJ में क्या होता है, नॉर्मली कोई भी स्टिमुलस आती है, किसी किस्म की स्टिमुलस आती है, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ना सिर्फ टच सेंसेशन बल्कि विजन की सेंसेशंस, हियरिंग की सेंसेशंस, स्मेल की सेंसेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस होती हैं। जो भी सेंसेशन रिकॉर्ड करते हैं पहले इनिशियली हम लोग के नर्व के थ्रू जो आ रही होती है, ठीक है, अगर उसका मसल एक्शन अगर परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल मोटर एक्शन अगर हमने परफॉर्म करना है, जैसे मैं अपने हाथ ला रहा हूँ या फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिप सिंगिंग कर रहा हूँ या लिप की डिलीवरी कर रहा हूँ, कोई भी बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या कर रहा हूँ, वो वहाँ से सेंसेशन आ रही है, सीने से सेंसेशन आ रही हो, नर्व से सेंसेशन आके पर्टिकुलर मसल पे एक्ट करती है। अपर लिम को मैं मूव कर रहा हूँ तो अपर लिम के सेंसेशन पर्टिकुलर सेंसेशन, लोअर लिम को अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो लोअर लिम में वहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के थ्रू आती है। क्या होती है कि सेंसेशन जहाँ से नर्व में जनरेट होती है, नर्व के थ्रू पर्टिकुलर मसल में आती है। वो किस तरह से आती है, यहाँ पे साइनेप्स होते हैं, यहाँ पे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, यहाँ पे जैसी सिग्नल आती है छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल क्या कराते हैं, प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स की फ्यूजन कराते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसी वेसिकल फ्यूज कर जाते हैं वहाँ से फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो पर्टिकुलर ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन कराते हैं, ठीक है। अगर तो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं तो वो इस जो पर्टिकुलर मसल को एक्साइट करेंगे, अगर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं तो वो उसको मसल की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होती है, फॉर एग्जांपल सोडियम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स जो है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल पोटेशियम की या क्लोराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल रूटीन में इस तरह NMJ एक्ट करता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन अगर हम लोग लेते हैं, एसिटाइल कोलिन ने अपना एक्शन कर लिया है, यहाँ पे स्टिमुलेट कर लिया, उसके बाद फिर एसिटाइल कोलिन की जो डिस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को डिस्ट्रॉय होकर दोबारा से रिसाइकल होता है और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। माइसिनी ग्रेविस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करती हैं बिटवीन द नर्व एंड द मसल, यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हुआ, कैल्शियम चैनल आया, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज कराया, जैसे ही फ्यूज होती है उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन की हम लोग एग्जांपल देते हैं, एसिटाइल कोलिन जैसे ही अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा तो मसल स्टिमुलेट होगी, जितने भी नर्व इम्पल्स जो भी सेंसेशन कैरी करके यहाँ से नर्व से ऊपर से आ रहा है वो सारी सेंसेशन उस वक्त ट्रांसमिट होंगी जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे आके एक्ट करेगा, ठीक है। रिसेप्टर पे अगर एक्ट नहीं कर पाएगा तो वो जितनी भी ट्रांसमिशन थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। अब एसिटाइल कोलिन माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में क्या होता है, एंटीबॉडीज जनरेट कर जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये रिसेप्टर्स जितने भी रिसेप्टर्स हैं, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं और जो भी एसिटाइल कोलिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर अगर आता है उसको एक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंटीबॉडीज उनको एक्ट करने नहीं देती। इसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी ट्रांसमिशन होती है, जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, वहाँ पे मसल पे जब जाएंगे नहीं, रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, एक्ट जब करेगा ट्रांसमिशन कब होगी, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ, मसल पे एक्ट किया, फिर मसल पे एक्ट करने के बाद चैनल्स ओपन होंगे, फिर दोबारा वहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तब जाके ट्रांसमिशन होगा। जब यहीं पे ही पॉज आ जाती है, यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ से जाता ही नहीं है, चैनल्स ओपन होते ही नहीं है, ट्रांसमिशन जो है वो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो पाती। क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं निकोटिनिक या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स बिटवीन नर्व एंड मसल, इसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो हॉल्ट हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, उस पर एक्ट नहीं कर पाती। लॉन्ग टर्म
न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से डिपेंड करते हैं किस लेवल ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी की कौन सी लेवल है वो ऑल्टर हुई है। यूजुअली नॉर्मली जो मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से मसल इफेक्ट होते हैं, उसमें आई के मसल्स, फेस के मसल्स और स्वॉलिंग के मसल्स अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से डबल विजन हो सकता है, हम लोग को डिग्लूटेशन या स्वॉलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो सकती है, बात करने में डिफिकल्टी हो सकती है या वॉक करने में डिफिकल्टी हो सकती है। जिस मसल पे प्रॉपरली अगर वो एक्ट करेगा उसी हिसाब से फिर प्रॉब्लम हो सकती है, एक्टिविटी में हर्डल आ सकता है। ये एक डायग्राम है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं ड्रूपिंग। क्या होती है यहाँ पे, अगर मसल की एक्टिविटी नहीं हो रही होती, नॉर्मली हम लोग जो है वो आईलिड को अपने हिसाब से वॉलेंटरीली हम लोग मूव कर सकते हैं, या फिर अगर जब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड जब प्रॉपरली मसल पे एक्शन नहीं हो पा रहा होता है नर्व का, तो क्या होती है ये ड्रूपिंग इस तरह से हो जाती है। इसके अलावा स्वॉलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ये वही वाली बात कि जहाँ पे जिस मसल जो मसल इन्वॉल्व है, लेकिन कॉमनली जो है वो फेशियल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर वॉकिंग मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह के केसेज आ सकते हैं। ये आप लोग का टॉपिक था और आई होप समझ आया होगा। मैं चैट दोबारा से ओपन करता हूँ, थैंक यू।